नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए जरूरी सूचना। भिवानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो नोटिफिकेशन आया है इंटरव्यू का, वो है 22 तारीख से। तो आपके जो इंटरव्यू है 22 तारीख से शुरू है, ठीक है, 22/1/2024 से। मैं इस वीडियो को क्यों बना रहा हूं, सिर्फ आपके लिए ध्यान दें। सिर्फ वो इसमें जो टेस्ट रहेगा, इसमें जो नोटिफिकेशन आया है उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि 30 मार्क्स का होगा। ये 30 मार्क्स का कैसे कैसे, नंबर एक आपका जो पहले है जीके, जीके 10 मार्क्स की पूछी जाएगी आपसे। दूसरा एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड आपका 10 मार्क्स का आएगा। थर्ड आपका सूटेबिलिटी, ये 10 मार्क्स की आएगी, ठीक है। अब इनके बारे में मैं अभी बताता हूं आपको, पहले समझो। आप सभी को 10 बजे से पहले पहुंचना है, 10 बजे से पहले। इस क्लास को पूरा देखें जिससे आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। एक नंबर एक, अपना ओरिजिनल आधार कार्ड, पक्की सरकारी नौकरी है ये बता रहा हूं मैं आपको, पक्की गवर्नमेंट जॉब है, पक्की। नंबर दो लिख दूं, गवर्नमेंट जॉब है पक्की, परमानेंट, फिर दोबारा बोल रहा हूं, परमानेंट। थर्ड आधार कार्ड, एट्थ या टेंथ की मार्कशीट या ट्वेल्थ की मार्कशीट, ठीक है, तीनों चल जाएंगी। ओरिजिनल। नंबर चार, एससी बीसी सर्टिफिकेट जो आपने लगाया है ओरिजिनल, ठीक, ये डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, बता रहा हूं मैं आपको डॉक्यूमेंट्स भी। पांच में आप क्या ले जाओगे, गवर्नमेंट आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट ले जा सकते हो आप अगर है तो, इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, ये चीज है, इनकम सर्टिफिकेट, फैमिली आईडी वगैरह अगर ले जाना चाहो तो ले जा सकते हो। ये तो रही ये बात। अब असली मसला क्या है जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये फर्जी भर्ती नहीं है जीके। ध्यान दें, मेरे वीडियोस में जाकर और इस जो क्लास में अभी बना रहा हूं इसके डिस्क्रिप्शन में मैं सारे वीडियो के लिंक डाल दूंगा, सब अच्छे से तैयारी करके जाना। ये वही क्वेश्चन है जो आज तक इंटरव्यू में पूछे गए हैं, ठीक है, और पूछे जा रहे हैं, ये ही रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जब पोस्ट सेम है तो इंटरव्यू भी सेम ही होंगे। जीके इसके मैंने दो से तीन वीडियो बना रखे हैं, ठीक है। इस जीके में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, जीके के बारे में जानकारी ले लीजिए। भिवानी जीके के दो वीडियो डाले हुए हैं, ठीक है, एक। नंबर दो, हरियाणा जीके, हरियाणा जीके के भी शायद मैंने दो या तीन वीडियो डाले हुए हैं। नंबर तीन, भिवानी जीके, हरियाणा जीके, इंडिया जीके, तीन वीडियो डाले हुए, एक या दो वीडियो डाले हुए हैं, ठीक है। ये तो जीके में आएगा। एप्टीट्यूड क्या होता है भैया, योग्यता होती है कि आप इस योग्यता में क्या कर सकते हो, आपसे इस जॉब के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका वीडियो मैं आज शाम को डाल दूंगा कि पीएन के काम क्या होते हैं और पीएन के एक्स्ट्रा काम क्या होते हैं, पीएन के एक्स्ट्रा काम, ठीक है, मैं शाम को डाल दूंगा पक्का, 4 बजे के आसपास आपके पास वीडियो आ जाएगा। सूटेबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, इसका मतलब भी योग्यता होता है कि आप इस जॉब के योग्य हैं या नहीं है, इसका मतलब इसमें क्या आएगा, आपका ड्रेसिंग सेंस प्लस में आपका बैठने का बात करने का तरीका, प्लस में आपके डॉक्यूमेंट्स, इन सब के नंबर जुड़ते हैं इस सूटेबिलिटी में, ठीक है, दो दो तीन तीन नंबर करके। तो ये है आपका तीनों चीजों का मसला, यानी कि मामला, आप समझ गए होंगे।
सबको 10 बजे से पहले पहुंचना है, लगभग 9 बजे के आसपास तक, क्योंकि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे। ड्रेसिंग सेंस में ध्यान रखें, जीन्स, हवाजी वाले कपड़े, जूते, हवाजी वाले स्पोर्ट्स शूज नहीं पहनने। जीन्स नॉट अलाउड, स्पोर्ट्स शूज नॉट अलाउड, ठीक है। और रंग बिरंगी रंगीन जर्सी, जर्सी स्वेटर नॉट अलाउड, ठीक है। सिंपल कपड़े, फॉर्मल पैंट, मैंने वीडियो बना रखा उसको देख लेना। मैं जितने भी ये क्लासेस हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, सबके लिंक इस वीडियो में डाल दूंगा, देख लेना डिस्क्रिप्शन में। जो पढ़ेगा उसको ये गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, ठीक है भैया, उसको ये गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। आप और ये आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, इसीलिए मैंने कहा था अंत तक देखें। मैं फिर दोबारा बता रहा हूं, भिवानी जीके के 2 वीडियो मैंने डाल दिए हैं, क्योंकि आप लोग पढ़ते नहीं हो तो जॉब कहां से मिलेगी। सीधा सीधा सा क्राइटेरिया है, 30 मार्क्स हैं, इनमें से जो पास होगा वो होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5, आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, पहला नहीं बताया गया तो लास्ट आपसे दूसरा पूछेंगे, 2 भी नहीं बताया गया तो पार, यानी कि आउट, ठीक। तो ध्यान रखें ये, और ये ना बोले कोई भी सर मुझसे 1 पूछा 2 पूछा, जब आपके बताया नहीं जाएगा तो आपसे मना कर देंगे। तो इसीलिए मैं आपसे बता रहा हूं, 30 नंबर की जीके है, 10 नंबर की जीके है, 10 नंबर का एप्टीट्यूड, 10 नंबर की आपकी सूटेबिलिटी, ठीक है। बाकी आप सब इन तीनों का वर्ड मीनिंग, इन दोनों का वर्ड मीनिंग गूगल पर सर्च कर सकते हो, ठीक। मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दे दी है, बस आप अच्छे ड्रेसिंग सेंस के साथ, बैठने बोलने के तरीके के साथ, आपसे पूछे आपके बारे में बताइए। मैंने अपने बारे में बताने वाला वीडियो भी डाल रखा है, जिसे कहते हैं हम इंट्रोडक्शन कैसे दें, ठीक है। लेकिन आप लोग मेहनत नहीं करते हो, मैं चाहता हूं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, मेरे घर में नौकरी नहीं आई, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इस क्लास को आप अच्छे से देखें, अंत तक देखें, और जो मैं वीडियो डालूं उनको पूरी तैयारी के साथ जाएं, ठीक है। मैं और एक वीडियो एक्स्ट्रा आपके लिए आज 4 बजे बना दूंगा, उसका उसको आप देख लेना। तो प्लीज इसको आप शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, इंस्टा पे, फेसबुक पे, जिससे सब लोगों को जानकारी हो सके, ठीक है। व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, और किसी का कोई डाउट हो तो कमेंट करें मेरे पास, सबको पता है, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं मैं हर कमेंट का जवाब देता हूं। और अगर मैंने आप सभी के लिए सोचा है, और आप सभी ये सोचते हो कि यार ये टीचर हमारे लिए है और हमारे भविष्य के लिए सोचता है, तो 1 लाइक जरूर करें, 1 लाइक, और आने वाली अपडेटों को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल की तो आप सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपको कोई नौकरी के बारे में, इंटरव्यू के बारे में किसी जानकारी को दे सकूं। तो मैं आप सभी का भला चाहता हूं, इसीलिए आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।